बच्चों, मैं धीरज कुमार आज तुम्हें सेवेंथ क्लास के कक्षा सप्तम विषय कंप्यूटर पाठ अध्याय दो वर्ड डॉक्यूमेंट पर कार्य करना। वर्ड डॉक्यूमेंट पर कार्य हम किस प्रकार करते हैं? देखो, जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद हम सबसे पहले टास्क बार के स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। जब स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमें एम एस वर्ड खोलना है। तो एम एस वर्ड पर खोलने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे स्टार्ट बटन पर। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद प्रोग्राम विकल्प आएंगे खुलकर। प्रोग्राम विकल्प पर खुलने के बाद तो हमारा आएगा एक एम एस ऑफिस। जैसे हमने सबसे पहले हम गए स्टार्ट बटन पर, स्टार्ट बटन पर गए हम। स्टार्ट बटन पर जाने के बाद हम गए प्रोग्राम। प्रोग्राम मेन्यू पर जाने के बाद हम जाएंगे एमएस ऑफिस पर। किस पर जाएंगे? एमएस ऑफिस पर। एमएस ऑफिस पर अगर एमएस ऑफिस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर जाएंगे तो हमें एमएस ऑफिस के तीन भाग दिखाई देंगे। तो हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी कि एमएस वर्ड पर। जब एमएस वर्ड आएगा तो एमएस वर्ड पर जो है हम जाके पर क्लिक कर देंगे। क्या कर देंगे? क्लिक। क्लिक करेंगे तो हमारा क्या है, एमएस वर्ड जो है खुलकर आ जाएगा। जब एमएस वर्ड खुलकर आएगा तो हमें उस पर वर्क करने के लिए, कार्य करने के लिए हमें जो है न्यू पेज यानी नए पेज की आवश्यकता होगी। तो नया पेज हम किससे लेंगे? नया पेज हम लेंगे कंट्रोल प्लस एन या फिर स्टैंडर्ड टूल बार के फाइल मेन्यू विकल्प पर जाएंगे हम। इस पर जाएंगे, इस पर जब हम क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद ये लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद हम करेंगे, हमें क्या करना है, फाइल मेन्यू पर जाना है। जब फाइल मेन्यू पर जाएंगे हम, क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या है, एक ब्लैंक पेज खुल के आ जाएगा वाइट कलर का है। जब ब्लैंक पेज आ जाएगा खुलकर तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल बना सकते हैं। किसी पार्टी का खर्च होता है उसका ब्यौरा बना सकते हैं, मासिक पेमेंट का लेखा जोखा बना सकते हैं, हैं और टेलीफोन बिल्स बना सकते हैं, हैं। जब हम क्लिक करेंगे तो ये खुल गया है, इसमें ये कार्य कर सकते हैं। जब ये कार्य करेंगे हम, जैसे किसी पार्टी का खर्च हैं, मासिक पेमेंट का लेखा जोखा, तो जब वो करने के बाद, जब ये हम कार्य करेंगे एम एस वर्ड पर हैं, करने के बाद हम जाएंगे डॉक्यूमेंट को सेव करना। तो कैसे करेंगे सेव? तो डॉक्यूमेंट को सेव करने के बाद फिर जाएंगे हम स्टैंडर्ड टूल बार पर जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमें क्या करनी है, फाइल को सेव करनी है। तो जब इस पर हम क्लिक करेंगे सेव पर, जब सेव पर क्लिक करेंगे तो सेव नाम का कॉम्बो बॉक्स खुल के आ जाएगा इस तरीके का। देखो, मैं बना के दिखाता हूँ तुम्हें। बच्चों, जैसा कि मैंने तुम्हें अगले डायग्राम अगले चित्र में दिखाया था, हम स्टैंडर्ड टूल बार के फाइल मेन्यू विकल्प पर जाएंगे। फाइल मेन्यू विकल्प पर जाने के बाद हमें सेव अस पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद
तो हमारे सामने क्या आएगा, सेव नाम का कॉम्बो बॉक्स आ जाएगा। इसे क्या बोलेंगे, सेव कॉम्बो बॉक्स। सेव नाम का जब हमारे सामने कॉम्बो बॉक्स आ गया खुल के, तो हम क्या करेंगे, हम जो फाइल बनाई है हमने, हैं जिस नाम से फाइल बनाई है, उस फाइल का नाम जो यहाँ टाइप करेंगे, ये क्या करेंगे, यहाँ फाइल का नाम, फाइल नेम टाइप करेंगे, फाइल नेम टाइप करेंगे। जब हम फाइल नेम टैप करेंगे, टैप करने के बाद हम क्या कर देंगे, सेव पर क्लिक कर देंगे। क्या करेंगे, सेव पर, क्या कर देंगे, सेव पर क्लिक कर देंगे। जब क्लिक करेंगे तो ये क्या है, हमारी फाइल सेव हो जाएगी। इसी प्रकार अगला टॉपिक है हमारा पूर्व में बनी डॉक्यूमेंट फाइल खोलना। तो ये फाइल खोलने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड टूल बार पर जाएंगे। स्टैंडर्ड टूल बार पर जाने के बाद हम किस पर जाएंगे, उस पर, उसका नाम क्या है, ओपन पर। जब ओपन पर जाएंगे तो ओपन नाम का कॉम्बो बॉक्स खुल के आ जाएगा, इसी तरीके का जैसे ये खुला है। क्या, ओपन नाम का कॉम्बो बॉक्स। जब ओपन पर जाएंगे ये जो डॉक्यूमेंट पूर्व में बनी डॉक्यूमेंट फाइल खोलना, तो सबसे पहले जाएंगे स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार पर जाएंगे, स्टैंडर्ड टूल बार पर भाई, इस पे जाने के बाद हम जाएंगे फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू पर गए, फाइल मेन्यू पर जाने के बाद हम जाएंगे ओपन विकल्प पर, इस पे ओपन। ओपन मेन्यू पर जाने के बाद तो हमारे सामने आएगा ओपन नाम का कॉम्बो बॉक्स खुल के आएगा। क्या आएगा, जब ओपन नाम का कॉम्बो बॉक्स खुल के आएगा, इसी टाइप का होगा, जैसे ये कि जैसे हमारा ये है सेव एस का आएगा। तो क्या करेंगे हम, जिस नाम से, जैसे इसमें हमने क्या करा था, इसमें क्या करा था, हमने सेव करी थी फाइल। सेव करने के बाद वो फाइल जिस नाम से फाइल सेव करी थी, उस नाम से हमारी फाइल क्या हो गई, सेव हो गई। अब हम उसी फाइल को देखना है हमें, हैं, तो हम किस पर जाएंगे, स्टैंडर्ड टूल बार पर। स्टैंडर्ड टूल बार पर जाने के बाद फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू पर जाने के बाद ओपन, ओपन मेन्यू, ओपन पर जाने के बाद ओपन नाम का कॉम्बो बॉक्स खुल के आ गया हमारे सामने। तो जिस नाम से हमने फाइल सेव करी है, उस फाइल को क्या करेंगे, सर्च में जाके फाइल टाइप करेंगे। जब टाइप करेंगे तो टाइप करने के बाद जिस नाम से हमने फाइल से मतलब सेव करी थी, वो फाइल हमारे सामने क्या हो जाएगा, ओपन होके आ जाएगी। ओपन होने के बाद हम क्या करेंगे, उस फाइल पर क्या कर देंगे, जब फाइल नेम टाइप करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे हमने राव मतलब धीरज नाम से फाइल बनाई है, जब ये नाम आ जाएगा तो इस पर क्या करेंगे, हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद वो हमारी फाइल क्या है, हमारे सामने ओपन होकर आ जाएगी या खुलकर आ जाएगी। बच्चों, ये चैप्टर जो मैंने पढ़ाया है आपको, वर्ड डॉक्यूमेंट पर कार्य करना, इसके जो प्रश्न उत्तर हैं, फुल फॉर्म है, वो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से भिजवा दूंगा। धन्यवाद।